बुधवार को भाजपा के 7 उम्मीदवारों ने राज्यसभा के लिए नामांकन कराया। सभी उम्मीदवारों का कहना है कि मोदी जी हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, साथ में यूपी की सभी 80 सीटें बीजेपी जीतने जा रही है। बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार सुधांशु त्रिवेदी से एसोसिएट एडिटर आलोक गुप्ता ने खास बातचीत की। हमारे साथ मौजूद है सुधांशु त्रिवेदी जी, दूसरी बार राज्यसभा पहुँच रहे हैं, अभी नामांकन करा के लौटे हैं। आप देखा जाए तो अकेले ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्हें पार्टी ने दूसरी बार मौका दिया। देखिए, आज का दिन बहुत सुखद संयोग का दिन है, क्योंकि बसंत पंचमी का दिन है और आज विश्व के इतिहास में पहली बार अबू धाबी में एक मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, जिस हेतु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वहां पर हैं। मुझे लगता है यह हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है और इन सारी चीज़ों से उठकर ये भारत के मोदी जी के नेतृत्व में उभरते हुए वैश्विक प्रभाव और उसकी बढ़ती हुई वैश्विक स्वीकारोक्ति का प्रमाण। दूसरी बार आप जाएंगे, क्या जिम्मेदारी, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? पार्टी के द्वारा जो भी दायित्व दिया जाता है समय समय पर उस दायित्व का निष्ठा पूर्वक निर्वहन करना ही हमारा उद्देश्य रहेगा। सोनिया गांधी उत्तर प्रदेश से की जगह राजस्थान जा रहे हैं नामांकन कराने, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, वो जो भी उचित करना चाहे। परंतु एक बात बहुत स्पष्ट हो गई कि इसका अर्थ ये हो गया कि कांग्रेस के युवराज पिछली बार चुनाव हार कर उत्तर प्रदेश छोड़े थे, अब सोनिया जी अर्थात कांग्रेस की राजमाता ने चुनाव से पूर्व ही यह मान लिया है कि अब उत्तर प्रदेश में शायद रायबरेली जीतना भी मुश्किल हो, तो ये हमारी पार्टी का जो 80 का 80 लोकसभा जीतने का संकल्प है, कहीं ना कहीं ये उसकी स्वीकारोक्ति है उस तथा कथित इंडी गठबंधन के सबसे बड़े दल के सबसे बड़ी नेता के द्वारा। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। सुधांशु जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें पर बीजेपी जीतेगी और सोनिया गांधी जिस तरीके से राजस्थान से नामांकन कराने जा रहे हैं इस पर भी उन्होंने कटाक्ष किया है और बता रहे हैं कि यह कांग्रेस की स्वीकृति है कि वो अब उत्तर प्रदेश में उनकी जो जड़ें हैं वो हिल चुकी हैं। समय के लिए लखनऊ से कैमरामैन सत्येंद्र राय के साथ आलोक गुप्ता।